सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओडिशा। एक्चुअली आई एम एट माय वर्क प्लेस एंड राइट नाउ आई एम इन झारसुगुड़ा ओडिशा। और जैसे कि थंबनेल लेके समझ ही गए होंगे, आज अपन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इको रिट्रीट इन हीराकुड डैम संबलपुर। वो यहाँ से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और उसके बारे में मुझे उतना पता नहीं है, मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे यहाँ पे उसके बारे। हीराकुड डैम के बारे आपने सुना होगा, इट्स अ फेमस डैम। क्या मैंने उसके बारे पढ़ा था इंटरनेट पे कि वो हिस्ट्री में सबसे बड़ा डैम था 1957 में, बिकॉज ऑफ इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए वो बनाया गया था। बट उसे छोड़ते हैं, और वहाँ पे उसके रिजर्वायर जो है बहुत बड़ा है, सो उसी के रिजर्वायर पे एक कैंपिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स टाइप एक कुछ है, उसी को इको रिट्रीट कहा जा रहा है। सो हम वहीं जा रहे हैं इको रिट्रीट, देखते हैं व्हाट दे हैव एंड टुडेज ड्राइविंग गोना बी दिस i20 2012 मॉडल। अब लेट करते नहीं है, सीधे निकलते हैं, बिकॉज लेट हो जाएगी तो कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज संडे है वैसे भी। सो लेट्स गो। बहुत ही ज़्यादा धूप है और स्पेक्स लाने भूल गया हूँ मैं, बट आई एम हेयर इन इको रिट्रीट। यह और देख रहे हैं पीछे ये वाला ग्राउंड जो है, यहाँ पर पैरा मोटरिंग होती है। और ये बैक साइड देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है। और मेरे राइट पे यहाँ पे ये टेंट्स लगे हैं, आई गेस अकोमोडेशन का है, जैसे कोई भी जो बाहर से आते हैं उनका अकोमोडेशन के लिए है ये। मैं एक और क्लोज व्यू देखता हूँ, अभी तो जस्ट एंटर ही हुआ हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे टेंट्स है, अभी देख सकते हैं ऊपर में तंबू। सो या गाइस, आई एम राइट। इसके अंदर कह रहे हैं कि क्या एक रॉयल कॉटेज और एक प्रीमियम कॉटेज करके, ऐसे होटल में रहता है डिलक्स और सुपर डिलक्स रूम टाइप्स वही है। और यहाँ पर गार्ड भी है, मतलब बेसिकली जो बाहर से आते हैं उनके अकोमोडेशन के लिए है, फॉर अ नाइट स्टे लाइक दैट ओनली। सो या दैट्स जेट स्की एंड बनाना राइड आई गेस हो रहा है वहाँ पे, और यही वाला पास सीधा जा रहा है, और इस साइड है टिकट काउंटर। एंड भाई मैं सोच रहा हूँ पैरा मोटरिंग पहले करूँ जेट स्की क्या, और भीड़ भी कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे टिकट काउंटर में, बट लेट्स सी। एक्साइटेड फॉर द राइड। वैसे मैंने जेट स्की एंड ये किया है, बट पैरा मोटरिंग नहीं किया है। सो पैरा मोटरिंग में देखता हूँ कितनी बड़ी लाइन है। सो पैरा मोटरिंग करना है, जेट स्की भी है लिस्ट में, बट लेट्स सी। एंड धूप बहुत हो रही है। सो एज यू हैव सीन द रेट चार्ट नाउ, और जेट स्की कुछ लंबी लाइन है, तो उसके चक्कर में अब अपन स्पीड बोर्ड कर रहे हैं। सो इसमें ही फनी होगा, सो लेट्स ट्राई। तो गाइस स्पीड बोट चालू हो चुकी है, बैठ चुके हैं। वी आर ऑन द मोटर बोट, स्पीड बोट। एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बट स्पीड बोट चल रही है और हम यहाँ पे घूम रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली ये वही है रिजर्वायर है हीराकुड डैम का, एंड इट्स टू लार्ज मैन। अगर जमशेदपुर से, तो हमारे वहाँ पे भी एक डिमना डैम है और उसका रिजर्वायर तो कुछ ज़्यादा ही छोटा, डैम यहाँ पर तो रिजर्वायर यहाँ पर इतना पास में है, और यहाँ पर डैम दिख ही नहीं रहा है, हीराकुड डैम दिख ही नहीं रहा है कहाँ पर।
वो आगे और बोल रहे 20 किलोमीटर का वही है यहाँ से, मतलब इसका रिजर्वायर ऑल टुगेदर 55 किलोमीटर का है। तो पैरा मोटरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं इस साइड भी, इस साइड भी। सो गाइस, स्पीड बोट राइड वाज ऑसम, और अभी अपन जा रहे हैं पैरा मोटरिंग करने। एंड हेयर्स व्हाट द टिकट लुक्स लाइक, धूप इतनी ज़्यादा और मैं स्पेक्स नहीं लेके आया। अभी जा रहे हैं पैरा मोटरिंग ग्राउंड में, और मतलब मैं मेन बोला जाए तो पैरा मोटरिंग करने हैं, एक्सपीरियंस लेने हैं पैरा मोटरिंग गैजेट्स की, स्पीड बोर्ड ये सब तो मैंने किया हुआ पहले, मनाली में भी मेरा पैरा ग्लाइडिंग छूट गया था, बट पैरा मोटरिंग आज हो के रहेगी। एंड दिस इज द फूड कॉर्नर हियर, आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी हैव सम गुड फूड हियर। पैरा मोटरिंग था, yeah, are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark, watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on. और भैया ने बहुत ही अच्छी राइड दी, एक नंबर भैया, मौज कर दी बेटे, मौज कर दी। सो हेलमेट उतार लिए भैया, साफ सब दिल्ली से हो? हाँ दिल्ली से भाई। सो एक नंबर अच्छा राइड दी अपने। सो व्हाट अ राइड, व्हाट अ राइड गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अभी मतलब बहुत भूख लग गई है तो आए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ के स्नैक्स कॉर्नर है इको रिट्रीट का, यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता मिलता नहीं है, बट केक एंड ऑल पेस्ट्रीज ये सब है, सैंडविच। सो यहाँ से हल्का फुल्का कुछ खाते हैं और निकलते हैं। मेरे कैमरा पे अभी पाइनएप्पल मिल्क शेक गिर गया मेरा, अभी एक और ऑर्डर किया है,
बच गया मेरा कैमरा, मुझे लगा आज तो गया पूरा बिक चुका है पाइन एप्पल मिल्क शेक से। और तुम हंस मत, तो पाइन एप्पल कोल्ड ड्रिंक, पाइन एप्पल कोल्ड ड्रिंक नहीं मसाला कोल्ड ड्रिंक, बहुत ही बेकार है। तो कैमरा मेरा थोड़ा और गंदा है, पोछ लेता हूँ गाइस, मूड ऑफ हो गया था ये तो मेरा। सो दिस पाइन एप्पल मिल्क शेक इज ऑसम एंड होप सो यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाएंगे कुछ क्लिक्स करके फोटो। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर माई रेगुलर अपडेट्स, तुम्हें कसा मत। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू एंजॉयड, और शेयर करिए, कुछ और बंदों की भी हेल्प होगी जिनको कुछ इन्फो चाहिए होगी यहाँ से। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।